हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आरजेआर ऑटो मोबाइल और मैं हूं आपका दोस्त आरजेआर एम टी के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है सर्विसिंग पे, कि सर्विसिंग में क्या क्या काम करते हैं और काम कैसा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फ्रेंड्स, आपकी हेल्प की मेरे को जरूरत है। आप सपोर्ट नहीं कर रहे, वीडियो देखते लेकिन लाइक नहीं करते, फ्रेंड्स ये तो बात गलत है। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक तो कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वालिटी इसी तरह से हेल्पफुल टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। और अगर आपको कुछ नया वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके जो कमेंट है उसकी रिप्लाई भी ज़रूर दूँगा। मेरे वीडियो का अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको नया नया जानकारी मिलती रहेंगी सीखने को। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आपको पर डे मिलता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, कई लोगों को लगता है फ्रेंड्स ऑयल चेंज कर दिए और वॉशिंग कर दी तो सर्विसिंग हो गई। तो फ्रेंड्स, ये सर्विसिंग नहीं होती। सर्विसिंग असली में होती क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा डिटेल में आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्विसिंग सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो गाड़ी है, जैसे आपकी दुकान में गाड़ी आई, तो आपको क्या करना है, पहले आप मैकेनिक हो तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको गाड़ी को चला के पहले देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी चला के देखना है और उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है वो आपको एक टेबल में नोट करना है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर से पूछना है कि सर आप जो गाड़ी चला रहे हो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है, उसको आपने जो लिखा उसके नीचे लिखना है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, और कस्टमर को डिटेल में बताना है कि सर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा बताने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको गाड़ी वॉशिंग में देनी है। पहले वॉशिंग करने के बाद फ्रेंड्स आपको लाना है गाड़ी को सर्विसिंग के लिए, क्योंकि बिना सफाई के काम अच्छे नहीं लगता। और सफाई से काम करोगे तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा और जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसा भी देगा, अगर आपका काम अच्छा होगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं गाड़ी का काम सीख रहा था फ्रेंड्स, तो कई कस्टमर खुश होकर मेरे को टिप देते थे, 100 रुपये, कोई 150 रुपये, कोई 200 रुपये, खुश होकर अपने हिसाब से देते थे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी भी दे ही रहे, अभी मैं मेरी दुकान है लेकिन अभी भी देते हैं खुश होकर। तो ऐसा काम कीजिए कि कस्टमर भी खुश हो जाए आपको काम देख के, और आपको मतलब पसंद करे, आपके बिगड़ कहीं दूसरे का काम ना कराए, ऐसा काम कीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्विसिंग में क्या होता है आपको बताता हूँ, तो वीडियो पे आते हैं, मैं आपकी दूसरी बात बताने लग गया था आपको। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपको सर्विसिंग करनी है प्रॉपर तो क्या क्या करना है आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, वॉशिंग के बताने के बाद गाड़ी को पहले उसके जो दोनों टायर होते हैं आगे और पीछे का व्हील, दोनों को खोलना है एक एक करके और उनका कंडीशन देखना है अंदर से कैसा कैसा है। उसके बाद उसके रेतनल पेपर से साफ करना है, अच्छे से सैंड पेपर से अच्छे से साफ करना है। साथ में जो लाइनर होते हैं हमारे ब्रेक शू, कई लोग ब्रेक शू बोलते हैं, कई लोग लाइनर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको देखना है, अगर वो ख़राब है तो नया डालना है, नहीं तो उसको साफ करके और ड्रम को साफ करके अच्छे से लगाना है, आइलिंग और ग्रेसिंग करके। और कैम लीवर हमारा जो होता है वो दोनों फ्री होना चाहिए, आगे का भी और पीछे का भी, जिससे हमारी गाड़ी में ब्रेकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे सामने और पीछे का दोनों का। ठीक है फ्रेंड्स, चक्कों का होता है वो हो गया। उसके बाद होता है एक्सीलेटर और क्लच। एक्सीलेटर क्या है फ्रेंड्स, आपको एक्सीलेटर देखना है, अगर एक्सीलेटर प्रॉपर मूव कर रहा है और उसमें चाप हल्की प्ले होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हमारी गाड़ी प्रॉपर चलती है। और साथ में जब हम एक्सीलेटर लेते हैं और छोड़ते हैं तो वापस आ रहा ही नहीं आ रहा है बराबर, उसको भी नोटिस करना है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो आपको अपने केबल चेक करना है, केबल कहीं टूटा नहीं है, कहीं कटा नहीं है, ये देखना चाहिए आपको। उसके बाद जो अपना हैंडल माउंटिंग होता है एक्सीलेटर वाला, ठीक है फ्रेंड्स, मूव जिसको बोलते हैं, उसको देखना है। अगर वो जाम लग रही है आपको, जैसे एक्सीलेटर ले रहे हो छोड़ रहे तो वो जाम जा रही है, प्रॉपर नहीं जाती पट से, तो उसको खोलना है, आपको साफ़ करना है, उसमें आइलिंग और ग्रेसिंग करना है। उसके बाद आपको फिर से उसको असेंबल करना है, उसके बाद फिर चेक करना है कि प्रॉपर वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। जब तक ये ना हो फ्रेंड्स, ये आपका एक्सीलेटर का काम प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसको करना है। उसके बाद आपका जो क्लच आता है, क्लच को क्या करना है, उसमें हल्की प्ले होनी चाहिए, जितना प्ले रहना चाहिए उतना रहना चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आपकी जो गाड़ी में गियर है, गियर अटकने का प्रॉब्लम आएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा टाइट रहेगा तो आपकी जो गाड़ी की क्लच प्लेट है जल्दी मार खाएंगी, जल्दी पिकअप डाउन होगा, जल्दी क्लच प्लेट खराब होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिए, जितना प्ले होना चाहिए उतना ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आती है आयल की बारी। आयल को पहले आपको चेक करना है आयल कैसा है, उसके बाद कस्टमर को पूछना है कि
सर आपने आयल कब चेंज किया था। अगर कस्टमर बोल दे कि सर हमारी गाड़ी, कस्टमर बोल दे कि हमारे आयल का टाइम हो गया है चेंज करने का, ठीक है फ्रेंड्स, या कुछ दिन बचे हैं तो आयल को चेक कर लीजिएगा, आयल का गेज चेक कीजिए, लेवल कितना है, आयल कितना कम है या बराबर सही है, गेज में है कि नहीं वो पूरा आप चेक कर लीजिए जिसे, और आयल चल सकता है नहीं चल सकता ये भी कस्टमर को बताना है कि सर अभी गाड़ी का आयल ऐसा ऐसा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, आयल अगर आयल ख़राब है और चेंज करना है, कस्टमर बोल दिया कि आयल चेंज करना है, तो आपको 17 नंबर के पानी से, रिंग पानी से आयल बोल्ट खोल देना है और आयल नीचे गिरता रहेगा। जब तक आयल गिर रहा है फ्रेंड्स, तब तक क्या करना है आपको, जो हमारा होता है फिल्टर बॉक्स फिल्टर, ठीक है फ्रेंड्स, वो ओपन करना है, जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके, उससे ओपन करना है किसको, फिल्टर को, ठीक है फ्रेंड्स। फिल्टर ओपन करने के बाद आप देख लीजिएगा फोम वाला है या पेपर वाला है, पेपर वाला है होगा फ्रेंड्स, उसको एयर प्रेशर से साफ करना है, या उसको अगर आपके पास एयर प्रेशर नहीं है तो उसको फूक के साफ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपकी गाड़ी में फोम वाला फिल्टर है तो आप उसको धो के ना फ्रेंड्स, उसको धो के उसमें एकदम ना के बराबर आयल लगा दीजिएगा, हल्का सा ना के बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद उसको वापस लगा दीजिएगा फिल्टर बॉक्स साफ करके, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपकी गाड़ी में जो आपके फिल्टर बॉक्स में होस पाइप होता है, होस पाइप फिल्टर बॉक्स होते हुए कार्बोरेटर जाता है, अगर उसमें डस्ट है फ्रेंड्स, तो आप एक बार कार्बोरेटर को भी ओपन करके देख लीजिएगा, अगर उसमें जहाँ डस्ट है तो आप जो अपना होता है कार्बोरेटर उसको साफ कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम होगा कार्बोरेटर के थ्रू या फिर पिकअप के भी कारण कई बार होता है कार्बोरेटर में प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। पिकअप अगर डाउन है तो कार्बोरेटर में कुछ ना कुछ होता है, तब भी ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि क्लच पर जाएंगी तभी गाड़ी का पिकअप कम होगा, गाड़ी झटके मारेगी या फिर गाड़ी में एवरेज कम देगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी मतलब गाड़ी का हर एक चीज़ सही होना चाहिए, जिसके कारण ही आपको प्रॉपर सही परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। फिल्टर को वापस लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको आयल बोल्ट टाइट करना है और आपको आयल डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मोपेड होगी तो 10W30 आयल डालना है, 10W30, ठीक है फ्रेंड्स, और आयल अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी बाइक है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि स्प्लेंडर है, पैशन है, तो 20W40 डालना है आपको, 20W40, ठीक है फ्रेंड्स। आयल का ग्रेड है ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपको आयल डालना है, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी बजाज की है, बजाज कंपनी की, जैसे मान के चलो पल्सर है या एवेंजर है, तो आपको डालना है गाड़ी में आयल 20W50, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको आयल डालना है, आयल हो गया, फिल्टर हो गया फ्रेंड्स, एक्सीलेटर प्लग भी हो गया, दोनों चक्के भी हो गए, उसके बाद क्या बचता है आपका प्लग आपको खोलना है, प्लग आपको देखना है प्लग किस कलर का आ रहा है, कौन से रंग का निकल रहा है प्लग। प्लग अगर ब्लैक निकल रहा है फ्रेंड्स, तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। प्लग अगर आपका गीला निकल रहा है, काला और गीला निकल रहा है, उसमें आयल लगा है, तो समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि आपकी इंजन में काम है, जब आपकी गाड़ी स्मोक कर रही है, वाइट स्मोक कर रही होगी गाड़ी आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। या वाल खराब होते तो तब भी हमारा जो गाड़ी का है उसका प्लग काला निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको देख लीजिएगा। साथ में जो हमारा प्लग अगर वाइट निकल रहा है तो आपकी गाड़ी सही है, गाड़ी की एवरेज भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या करना है, आपको प्लग भी हो गया, प्लग को आप साफ करना है। अगर आपको लगे कि प्लग ख़राब है तो आपको प्लग नया चेंज कर देना है, प्लग, ठीक है फ्रेंड्स, चेंज कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसके बाद जो आता है आपकी गाड़ी के नट बोल्ट है, नट बोल्ट आगे से लेकर पीछे तक पूरे टाइट करना है, सबको, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको टाइट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप एक बार गाड़ी को चला के देख लीजिएगा, गाड़ी अगर ओके बनी है कस्टमर के हिसाब से, आपके हिसाब से अगर गाड़ी प्रॉपर बन चुकी है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि गाड़ी को फिर से एक बार पानी मार दीजिएगा, क्योंकि आप जब काम करते तब जो हाथ रहते हैं, हाथ की जो थोड़ा काला काला लग जाता है आयल के कारण, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी को कस्टमर को देना है और उनको चला के देख लो, एक बार बोलना है उनको, चलाने के देखने के बाद उनका फीडबैक लेना है कि गाड़ी कैसी बनी सर, पहले गाड़ी कैसी थी, अब गाड़ी कैसी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया कस्टमर की बात। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बिल बनाते हो गाड़ी का, तो गाड़ी में और कुछ कमी है तो जो बिल है हमारे उसके पीछे लिख देने का कि सर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम आपको ये करना पड़ेगा,
ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कस्टमर आते हैं सिर्फ साइजिंग के लिए और बाकी काम और कुछ निकल जाता है, जैसे कि मांग के लो आपके फिल्टर फिल्टर बोलते हो फिल्टर खराब हो सकता है कई बार, लेकिन कस्टमर को में होता तो उनको साफ करके लगाते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे लिख देना है, सॉकअप है हमारी फ्रेंड सॉकअप वो लीकेज है, लेकिन कस्टमर का बजट नहीं है बनाने का तो सिर्फ सर्विसिंग करते हैं हम लोग, तो उसको भी लिख देना है पीछे बिल के पीछे, है ना। तो ऐसे कई काम है बेरिंग है, जैसे कि मान के चलो बेरिंग फ्रंट बेरिंग है रियर बेरिंग वो खराब है या स्प्रॉकेट बेरिंग खराब है या चैनसेट खराब है, तो कस्टमर का उसका बजट रहता नहीं फ्रेंड उस टाइम। तो आपको क्या करना है, सर्विसिंग करने के बाद उसको बिल के पीछे लिख देना है आपको कि सर आपकी गाड़ी में ये काम बचा है और ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उनको बता दीजिएगा कि आपको ये काम इतना जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा अगर आप चलाओगे तो आपकी गाड़ी को नुकसान है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी मतलब दुर्घटना हो सकती है, अगर ज़्यादा अगर रिस्क लोगे तो आप काम नहीं कराओगे बराबर और इसे चलाते रहोगे चलाते रहोगे तो प्रॉब्लम आएंगी फ्रेंड्स, गाड़ी को नुकसान होगा तो होगा आपके जो लाइफ है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स समझ रहे हो आप, आपको कस्टमर को प्रॉपर समझाना है कि सर ऐसी ऐसी बात है आपकी गाड़ी में अगर आप ये नहीं कराओगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डिटेल में समझाना है तब जाके आपको वो समझेंगे कि कस्टमर मतलब मैकेनिक हमारा सही है ऐसा बोल रहा है सही बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और कस्टमर को समझाने के बाद आप उनको गाड़ी हैंड ओवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, इतना मेहनत करता आपके लिए तो कुछ तो बनता है ना मेरे लिए, आप एक लाइक तो कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे को थोड़ा सा डीमोटिवेट होना पड़ता है और कई बार इसलिए लेट हो जाता है वीडियो के लिए। अगर आप टाइम टाइम पे मेरे को भी मोटिवेट करते रहोगे, आप एक एक लाइक दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका एक लाइक मिलता है मेरे को तो मेरे को अच्छा लगता है कि चलो मेरी मेहनत कुछ तो रंग लाई, आपको कुछ पसंद तो आया, मेरे बताए हुए जो नॉलेज है आपको पसंद आया, ऐसा लगता है मेरे को। इसलिए प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक तो कर दिया करो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आप ऐसी नए वीडियो के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।